हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी चिकन। वो भी बिना तंदूर के बनाएंगे, मतलब गैस पर ही बनाएंगे, एकदम रेस्टोरेंट जैसे ही बनेगा। तो चलिए बनाते। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो लेग पीस ले लिया, ये थाई से अटैच है, और इसमें हमने कट लगा लिया है। हम इसे दो बार मैरिनेट करेंगे। तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा नींबू का रस। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे रब करते हुए। अभी हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे। तो सेकेंड मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर और 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 टेबलस्पून हंग कर्ड और 1 छोटी चम्मच तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मसाले को अच्छे से मिला लीजिए एकदम स्मूथ करके। जब सारे मसाले एकदम पेस्ट की तरह बन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चिकन के लेग पीस, और लेग पीस को अच्छे से मसाले के साथ कोटिंग कर देंगे दोनों तरफ से। और लेग पीस में जो कट लगा हुआ है उसके अंदर भी अच्छे से मसाले डाल दीजिएगा, और ऐसे करके हम दोनों लेग पीस को अच्छे से मसाले के साथ कोटिंग कर लेंगे। अभी हम इसे कवर कर देंगे और कम से कम 3 से 4 घंटे हम इसे फ्रिज में रखेंगे, नहीं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अभी 4 घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट करते हुए, तो अभी हम चिकन को बनाएंगे। तो इसलिए मैंने एक पैन में ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। मैं यहाँ पर तेल और बटर दोनों ही यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो सिर्फ बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे चारों तरफ से फैला लीजिए। अब हम डाल देंगे मैरिनेट करा हुआ चिकन का पीसेस। पहले हम इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे, फिर फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में हम 20 मिनट तक इसे पकाएंगे, और इसे कवर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और 20 मिनट बाद हम चिकन को पलट देंगे और ऐसे सेम प्रोसेस में पकाएंगे, मतलब 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम में और फिर फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में 20 मिनट तक पकाएंगे। और ऐसे साइड से जो तेल और मसाले हैं इसे ऐसे चम्मच से लेकर ऊपर ऊपर से ऐसे डाल दीजिएगा। दूसरे साइड से भी 20 मिनट हो गया है, इसे और एक बार पलट देते हैं, और इसके जो मसाले हैं साइड से ये भी ऐसे चम्मच से लेकर ऊपर ऊपर ऐसे डाल दीजिएगा, और ऐसे पलटते हुए 1-2 मिनट और पका लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए। टोटल आपको 25 से 27 मिनट लग जाएगा। ये हमारा हो गया, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर देंगे ताकि एकदम रेस्टोरेंट जैसा लगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक जाली वाला स्टैंड ले लिया, और ऐसे लेग पीस को इस जाली के ऊपर रख कर ऐसे रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक, और लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे, और ऐसे चारों तरफ से घुमाते हुए इसे रोस्ट कर लीजिएगा। और बहुत ही केयरफुली कीजिएगा क्योंकि कभी कभार इसमें आग भी आ जाती है। ऐसे करके हम दोनों पीसेस को रोस्ट कर लेंगे। मैंने इसे प्लेटिंग भी कर लिया, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।